हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? तो आप रेडी हो आज की कहानी सुनने के लिए? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको आ अक्षर की कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, एक आदि नाम का लड़का था। वो आंगन में खेल रहा था। उसको ना आवाज़ आई। उसने आसमान की तरफ देखा तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने आसपास देखा तो आसाराम नाम का एक माली सूखा हुआ पेड़ आरी से काट रहा था। आदि ने कहा, माली भैया, पेड़ काटना तो बुरी बात होती है, तो फिर आप पेड़ क्यों काट रहे हो? तो माली भैया ने कहा, हाँ, ये सूखा हुआ पेड़ है, मैं इसको काट रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे नया पेड़ लगा सकूँ और उसको पानी देके उसकी देखभाल कर सकूँ। ये बात सुनकर आदि खुश हो गया और वो फिर से खेलने लगा। उसके आंगन में ना एक बहुत बड़ा सा आम का पेड़ था और नीचे आम भी गिरे हुए थे। पता है कितने आम गिरे थे? 8 आम गिरे थे, 8। तभी अंदर से मम्मी की आवाज़ आई, आदि चलो आ जाओ। आदि पूरे आम लेके घर के अंदर आ गया। आदि की मम्मा आरती कर रही थी। आरती होने के बाद आदि ने कहा, मम्मा मुझे भूख लगी है। तो मम्मा ने कहा, हाँ बेटा, मैं अभी आटा गूंद कर तुमको आलू के पराठे बना के दूंगी। तभी आदि के मम्मा ने लकड़ियों पे आग जलाकर गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए और उसके साथ पता है क्या बनाया? आइसक्रीम, आम की आइसक्रीम बनाई और आदि को दी। आदि को आइसक्रीम देख के तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। पर पता है उसने ना आधा ही पराठा खाया। ये देख के मम्मा ने कहा, आदि अगर तुम पूरा पराठा खाओगे तो ही तुमको आइसक्रीम मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये सुनकर आदि ने पूरा पराठा खा लिया और उसके बाद आइसक्रीम भी खा ली। तो ये थी आ अक्षर की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो चलिए देखते हैं इस कहानी के अंदर हमने आ अक्षर के कौन कौन से शब्द सीखे। आम, आसमान, आंगन। इस कहानी के अंदर और भी कुछ शब्द है, वो आपको ढूंढना है और आपकी मैम को बताना है। तो चलिए अब देखते हैं आ अक्षर को लिखा कैसे जाता है। चलिए कॉपी में लिखते हैं। कर, वन मोर कर, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। कर, वन मोर कर, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। एक बार और लिखेंगे। कर, वन मोर कर, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा आ।